अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आमिर हनीफ। होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है व्हाट इज वीपीएस होस्टिंग और हमें वीपीएस होस्टिंग की क्यों जरूरत है, क्यों हम परचेस करें कि वीपीएस होस्टिंग। वीपीएस होस्टिंग वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, एक ऐसा पीसी, एक ऐसा लैपटॉप कह लें, पीसी कह लें, जो एक दूसरे कंट्री में पड़ा होता है और जिसको आप परचेस करते हैं और उसको एक्सेस करके आप अपने काम करेंगे। काम से मुराद आप अपना पेपैल का अकाउंट क्रिएट करेंगे और उसको अपने वीपीएस होस्टिंग जो आपने परचेस की होगी वहां से एक्सेस करेंगे, ना कि अपने पाकिस्तान के कंप्यूटर से एक्सेस करेंगे। क्यों पाकिस्तान के कंप्यूटर से एक्सेस नहीं करेंगे? क्योंकि अगर आप अपने पाकिस्तान के कंप्यूटर से एक्सेस करेंगे विदाउट यूजिंग वीपीएस सर्वर, आपको 2 मिनट में पेपाल सस्पेंड कर देगा। इसलिए मैं प्रेफर करता हूं कि आप जब भी अपना पेपाल अकाउंट बनाएं, या तो अपने किसी फ्रेंड से रिक्वेस्ट करें जो यूके में बेस्ड हो, यूएसए में, या यूरोपियन किसी कंट्री में बेस्ड हो, आपके लिए पेपाल अकाउंट क्रिएट कर दे, बना दे। एक ईमेल एड्रेस आप यूज करें, एक मोबाइल नंबर यूज करें वहां का लोकल, और आपके लिए वो बना दे। अगर नहीं कर सकते, आपका कोई जानने वाला नहीं है और कोई हेल्प नहीं कर रहा आपकी, तो आप वीपीएस होस्टिंग परचेस करें। $10 to $20 इसकी कॉस्ट आती है और आप इसको खुद विंडोज में, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज में यूज कर सकते हैं। नॉर्मली जो होस्टिंग कंपनीज हैं वो लिनक्स ज्यादा प्रेफर करती हैं और लिनक्स ज्यादा चीप होती है। विंडोज $10 एक्सपेंसिव होती है, महंगी होगी, लेकिन आप उसे खुद यूज कर सकेंगे। वीपीएस कैसे शो होता है, मैं आपको जरा शो करवा दूं। रिमोट कंट्रोल एक्सेस में आप जाएंगे, यहाँ पे देखें रिमोट कंट्रोल एक्सेस, ये मेरा है, मैं इधर क्लिक करूंगा। आईपी एड्रेस, यूजर नेम एंड पासवर्ड देने के बाद आप देखें इस ऐसी एक विंडो में इंटर हो जाएंगे, जो सेम मैं आपको शो करवा दूं। सॉरी, यहाँ पे देखें आप एक ऐसे कंप्यूटर में, यहाँ पे भी आपको रिसाइकल बीन, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम शो हो रहा है। यहाँ पे देखें आप एक ऐसी विंडो में आ गए हैं जो सेम टू सेम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है। मतलब आपने वहाँ पे जो आईपी एड्रेस है वो भी एक पीसी है, एक लैपटॉप है जो आपने परचेस किया हुआ है। अब आपने जो काम करना है, आपने इस वर्चुअल प्राइवेट सर्वर जो आपने परचेस किया है वहां से करना है। आप अपना यूके पेपाल अकाउंट इस प्राइवेट सर्वर को यूज करते हुए बनाएंगे। आप अपना amazon.co.uk, अगर आप सेलर हैं, आप इसे यूज करते हुए बनाएंगे। अगर आप ईबे पे करना चाह रहे हैं तो आप ईबे पे भी बना सकते हैं, ebay.uk। देखिए स्पीड भी अच्छी है, आप ebay.uk भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने सेल करनी है, बिकम अ ईबे सेलर, देन यू मस्ट बी यूज वीपीएस, क्योंकि ईबे जो है वो आपके पेपाल के साथ लिंक होता है। आप डायरेक्ट की आपकी जो पेमेंट है वो डायरेक्ट पेपाल में आती है और ईबे ही ऑनर है पेपाल का, इसलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ईबे एंड पेपाल। और अगर आपने शॉपिफाई पे स्टोर बनाना है, तब भी मैं आपको प्रेफर करूंगा, आप ऑनलाइन कुछ भी सेल करें, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो आप, मैं प्रेफर करता हूं आप अपना जो पेपाल है उसको पहले एक्टिवेट करें, क्योंकि आपका स्टोर तो बन जाएगा। आप शॉपिफाई में अपना स्टोर बना लेंगे, उसके बाद आपको, आप पेमेंट कैसे लेंगे? पेमेंट आप पेपाल से लेंगे, क्योंकि वर्ल्ड वाइड पेपाल से ही लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं शॉपिंग करने के लिए। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए पेपाल को बहुत प्रेफर किया जाता है। शॉपिफाई में आप अमेज़ॉन का भी बटन लिंक कर सकते हैं। अगर आपका सेलर अकाउंट है तो आप अपना अमेज़ॉन पे भी लिंक कर सकते हैं। अमेज़ॉन पे के थ्रू भी आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, पर मेरी जो बेस्ट है वो मैं जो प्रेफर करता हूँ वो stripe.com। मैं जो ऑनलाइन स्टोर्स के लिए प्रेफर करता हूं वो पेपाल एंड स्ट्राइप का कॉम्बिनेशन मैं प्रेफर करता हूं हर बार। उसके अलावा आप टू चेकआउट भी पाकिस्तान से यूज कर सकते हैं,
और अगर आपके पास पाकिस्तान में रजिस्टर्ड कंपनी है, तब आप अगर आप अली ड्रॉप शिप डॉट कॉम यूज़ करें हैं या अली ड्रॉप शिप का वो वर्जन यूज़ करें हैं, तब आपको पेमेंट गेटवेज बहुत से मिल जाएंगे। वो पेमेंट गेटवेज मैं अभी आपको शो नहीं करवा रहा, लेकिन अभी इसको मैं बंद कर देता हूँ अपने सर्वर को। अभी हम देखते हैं कि हम कौन कौन से कंपनीज यूज कर सकते हैं वर्चुअल सर्वर बाय करने के लिए। यहाँ पे आपसे पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक के बटन को प्रेस कर दें, आपके सपोर्ट की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद अभी देखते हैं डिजिटल ओशन है, डिजिटल ओशन के में आप जाएंगे, डिजिटल ओशन में आपको वीपीएस सर्वर मिल जाएगा, लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में होगा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बिट डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट नहीं, डिफिकल्ट है यूज करने के लिए, इसलिए मैं इसको प्रेफर नहीं करता बिगिनर्स के लिए। एज अ बिगिनर मैं प्रेफर नहीं करता, मैं प्रेफर करता हूँ, मैं पर्सनली जो यूज कर रहा हूँ अभी, वॉल्टर डॉट कॉम यूज कर रहा हूँ। ये आपको नीचे शोर होगा, लंडन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपका एक सवाल होगा कि लंदन ही ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों? क्योंकि यूके में कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना इजी है, इसलिए हम जो भी करेंगे वो यूके के थ्रू ही करेंगे। यूके में कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसके बाद आप जो ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करेंगे, आप अपना पेपाल, अपना स्ट्राइप, वो यूके की ही इंफॉर्मेशन पे आप क्रिएट करेंगे। उसके अलावा आप सॉरी विल्टर डॉट कॉम यूज करेंगे, उसके अलावा आप फास्ट होस्ट डॉट को डॉट यूके यूज कर सकते हैं। ये भी आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोवाइड करता है। कहाँ गया? ये देखें, व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम आर अवेलेबल, ये देखें नीचे लाइन, विंडोज ऑपरेटिंग एंड विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज सर्वर 2016 और विंडोज सर्वर 2019, आप ये भी यूज कर सकते हैं फास्ट होस्ट। उसके अलावा आप गो डैडी की सर्विस भी यूज करते हैं वर्चुअल, ये भी वर्चुअल प्राइवेट सर्वर के लिए। ये भी आपको विंडोज की ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। उसके अलावा आप यूरोपियन एक कंपनी है कॉन्टाबो, ये भी बहुत बोस्ट बेस्ट और चीप है। इन सब से आप कॉन्टाबो सर्विस भी यूज कर सकते हैं, 4.99 यूरो है ये, 4.99 यूरो है, 365 डेज ईयर विया ईमेल एंड टेलीफोन लाइव सपोर्ट भी है इनकी, ये भी बेस्ट है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं यूके का वर्चुअल प्राइवेट सर्वर परचेज करने के लिए। ये पांच वेबसाइट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और ये कोई रेफरल लिंक नहीं होगा। आपके मेरे लिंक से अगर जाएंगे तो कोई फायदा मुझे नहीं मिलेगा। आप चाहें तो वीडियो देख के वोल्टर डॉट कॉम, आयोनोस डॉट को डॉट यूके पे जाएं, या फास्ट होस्ट डॉट यू को डॉट यूके पे चले जाएं, गो डैडी लिख के यूके लिखें, तब भी आपके पास, यहाँ आप कॉन्टाबो पर ये पांच जो वेबसाइट्स हैं ये मैंने पर्सनली यूज की हैं। अभी मैं वोल्टर डॉट कॉम यूज कर रहा हूँ, आप इन पे जाके अपना वीपीएस परचेस कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो कि वीपीएस हम कैसे परचेस करेंगे और कहाँ से परचेस कर सकते हैं, और कोई डिफिकल्ट नहीं है ये। जैसे ही आप परचेस करेंगे, आप जैसे ही लंदन की लोकेशन आप जैसे ही परचेस करेंगे, आपको आईपी एड्रेस शो होना शुरू हो जाएगा। आईपी एड्रेस जैसे ही शो होगा, आप आईपी एड्रेस को कॉपी करें, अपना यूजर नेम, जो यूजर नेम होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे व्यू कंसोल लिखा, आप जैसे व्यू कंसोल पे क्लिक करेंगे, आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड देना पड़ेगा। यूजर नेम पासवर्ड देने के बाद आप डायरेक्ट उस पीसी में इंटर हो जाएंगे, यूजर नेम पासवर्ड, और आप यहाँ पे यहाँ डायरेक्ट लिख दें रिमोट एक्सेस कंट्रोल में जाके, तो आप अपनी विंडो में अपने जो आपने वीपीएस परचेस किया होगा आप वहां पे पहुंच जाएंगे। अभी इसको बंद कर देता हूँ। आपका बहुत बहुत थैंक यू आइए वीडियो कंप्लीट देखने के लिए, एंड होप यू हिट द लाइक बटन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।